और ये पूरा लार्ज एरिया बहुत मतलब बहुत बड़ा है। ये वाला इसे बोलते हैं खाजा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। सो गाइस, इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं जगन्नाथपुरी के पास में है एक जगह जिसको बोलते हैं नरेंद्र पोखरी, मतलब एक सरोवर है, तो वहां पर जाने वाले हैं। तो फिलहाल वो हमारे सामने ही है, तो चलते हैं फिलहाल उसे एक्सप्लोर करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो को में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिलहाल वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और देखिए कैसा सीन है सब। तो गाइस, फिलहाल यहाँ से एंट्री होगा। तो गाइस, फिलहाल यही है, यहाँ से एंट्री करते हैं। बीच में शायद मंदिर है, हाँ जी वो रहा बीच में मंदिर, और ये रहा। पूरा मतलब तालाब है, बड़ा सा, बहुत बड़ा तालाब है ये। नरेंद्र टैंक, फिलहाल वो देखो वहां पर मछलियां हैं बहुत सारे, वहां पर कितने सारे मछलियां हैं शायद दिख रहा होगा। और ये पूरा लार्ज एरिया बहुत मतलब बहुत बड़ा है, और वहाँ बीचों बीच मंदिर है, और मतलब ये है रोड जाने के लिए, और चारों ओर मतलब पानी ही पानी है, देखो चारों ओर पानी। तो गाइस, फिलहाल ये टोटल है, ये टोटल तालाब है, और ये पूरा सरोवर है, और बीचों बीच वो है मंदिर, पूरा बीचों बीच वो रहा मंदिर। और तो वहाँ लोग साथ नहा रहे हैं। लोग नहा रहे हैं वहाँ पर, देखो गाइस। और चलो वहाँ चलते हैं। लाल फिलहाल इस ओर चलते हैं अभी। वो रहा मंदिर वहाँ पर, और गेट तो लॉक हो गया है शायद, हाँ लॉक है, जानी अंदर नहीं जा सकते गाइस, और अंदर नहीं जा सकते यहाँ से देख लो गाइस। और देखो मतलब हवा जोर से दे रहा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है यहाँ पर देखो। और गाइस, अभी तो कुछ दिन पहले गया है, फिलहाल चंदन पूर्णिमा, तो चंदन पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मतलब बहुत धूमधाम से यहाँ पर होता है चंदन यात्रा। और यहाँ पर नाव में बैठ के भगवान जी मतलब इस तालाब के अंदर घूमते हैं, और पूजा होता है उनके तालाब के अंदर, चारों ओर घूम के मतलब नाव में बैठ के घूमते हैं। तो फिलहाल ये कुछ सीन है। तो गाइस, ये यहाँ का फेमस मिठाई है, इसे बोलते हैं खाजा। गाइस देखो ये वाला, इसे बोलते हैं खाजा। तो यहाँ आओगे तो ये वाला ज़रूर लेना, ये सबसे फेमस मिठाई है यहाँ का, तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो ये खाजा है, किलो 100-150 के आसपास आ जाता है किलो, तो ये खाजा ज़रूर लीजिएगा, खाइएगा, तो घर भी ले जाइएगा, बहुत ही टेस्टी खाजा है। जगन्नाथ धाम पुरी के सबसे सबसे पसंदीदा खाना ये है, और
भोग, ये इसे आप घर भी ले जा सकते हैं। तो आइए यहाँ पर एंजॉय कीजिए।